हाय, मैं हूँ विनोद यादव। वेलकम बैक टू चैनल। और सबसे जरूरी बात, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोशिश एक अच्छा इंसान बनने की और कोशिश बहुत सारा पैसे कमाने की। तो बहुत सारे लोगों के सवाल ये थे कि एक्टर्स इतने बड़े बड़े डायलॉग इतना जल्दी कैसे याद कर लेते हैं। देखिए, जब आप एक्टिंग फील्ड में आते हैं तो देखिए, आपको थिएटर वेटर करके आते हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। जैसे आप धीरे धीरे काम करने लग जाते हैं, काम करते करते आप तो आपको समझ आई, ये सीन है तो आपको सिचुएशन पूरा समझ में आ जाता है, क्या सिचुएशन क्या करना है। तो ऐसे नहीं कि जो प्रॉपर लिखा हुआ है वही बोलना है, लेकिन आप जब आपको सिचुएशन पता चल जाती है तो वो लाइन अंदर से निकलने लगती है सिचुएशन के हिसाब से, क्या बोलना है, कैसे क्या बोलना है, तो आपको आदत पड़ जाती है वो। तो ज्यादातर जो जो सीरियल में बहुत कंटिन्यू कर, उनको पता है अभी मुझे क्या बोलना है क्या बोलना, तो करते करते आदत पड़ जाती है। तो ऐसे ही है, तो और उनको रोज रोज करते 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 उनको प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि क्या सिचुएशन क्या बोलना है कैसे बोलना है उन्हें पता चल जाता है। इसलिए जो एक्टर है, जो सीनियर एक्टर्स है, वो लोग सिचुएशन देख के फटाक से डायलॉग बना के बोल देते हैं, क्योंकि इतना मेहनत किए, इतने सालों से हैं, तो ज़्यादा टाइम तो उन्हें लगता नहीं। और थिएटर में भी आपको बहुत सारी प्रैक्टिस होती है, तो आप धीरे धीरे करते सीख जाते। तो बहुत से लोगों के सवाल थे कि एक्टर इतने बड़े बड़े डायलॉग कैसे याद कर लेते हैं। देखिए, आप धीरे धीरे करते रहोगे तो आपकी भी आदत पड़ जाएगी, ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो बहुत से लोगों के सवाल थे, तो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।